एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5 और जैसे कि मैं सुबह का जो काम करती हूँ क्लीनिंग, तो मैं वो स्टार्ट कर दी हूँ। और बहुत टाइम के बाद फ्रेंड्स मैं सुबह उठी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ गुनगुने पानी और मेरे हस्बैंड बगल में लेटे हुए थे। मैं कह रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ, और वो अपना काम करके लेट गए। और सुबह की जो चाय होती है ना फ्रेंड्स, वो मतलब मेरे हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और दोनों हम लोग बैठ के यहाँ पे साथ में चाय पी रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ना बहुत ही स्पेशल टाइम है चाय पीते पीते बात करने का। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ और नहा धो के ही मैं मतलब भोग के सारे खाने वाने बनाती हूँ कान्हे को, लेकिन मैं चाय सुबह पी लेती हूँ क्योंकि चाय के बिना मेरे से बहुत देर तक रहा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ के भोग बना ली हूँ और कान्हू को भी यहाँ पे मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और एक चीज़ बता दो ना कि जब से मैं कान्हा जी को रखी हूँ ना, तब से मेरा टाइम बहुत ही अच्छा जाता है। और मतलब मेरे लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रेस कम हो गया है और अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं कभी दिल से सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका मतलब सब कुछ करके। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अभी सुबह के बज गए थे 9:30 और मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे। और सॉरी कि मैं नाश्ता नहीं दिखा पाई, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मतलब बहुत टाइम के बाद मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। तो नाश्ते में आलू की सब्ज़ी, मतलब बेसिक आलू की ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, और रोटी बनी थी। और यहाँ शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, और मैं अपने कान्हों को देख लीजिए, मेरे कान्हों को मैं भोग वोग लगा दी हूँ। और यहाँ पर मैं दिया हुआ जला के मैं कान्हों को भी भोग लगा दी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ रात का डिनर बनाने, तो देखते हैं कि क्या बनाते हैं। तो अभी तो मेरे हस्बैंड आए नहीं थे क्योंकि शाम आते आते उनको 9 बज गए थे। और ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो मेरे मतलब फेस पे ना एक पिंपल्स आ गए थे, बहुत पीले, मतलब बहुत पीला सा हो गया था। और ये पता है किस किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आम खाई हूँ इस बार, इतना आम खाई हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो गया है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक स्किन की ये चीज़ ठीक है कि जब भी मेरे पिंपल्स आते हैं ना तो मेरे चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कानों को भोग लगा के आ गई हूँ शाम के बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन सुबह जो मैं दोपहर में जो खाना बनाई थी ना, तो वो बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं फटाफट से धो ली हूँ। और यहाँ पे मैं रात का डिनर बनाने का भी तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो भी हो गया है रात का टाइम, और ये मेरा प्रॉपर वीडियो ना कान्हू पे ही है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने कान्हू को ही दिखाई हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो गया है 9:30 बज गए हैं और मेरे कान्हू के सोने का टाइम हो गया है। तो सोते टाइम ना मैं सारे चीज़ें उतार देती हूँ ताकि मेरा कान्हू आराम से सो जाए। तो मैं इनको थोड़े से थपकी दे होके सुलाती हूँ। कभी कभी जैसे टाइम नहीं मिलता है ना तो ऐसे भी सुला देती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना कि बच्चों पे कभी बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो मेरा वही कंडीशन है, कभी कभी मुझे जब बहुत प्यार आता है ना तो मैं बहुत बैठी रहती हूँ अपने कान्हों के पास। तो मैं यहाँ पर अपने लल्ला को प्यार कर रही थी। और फिर अभी हम लोग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।